नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गोयल, मेरा फ्रेंड हार्डवेयर का बिजनेस है और मैं आज आपको बताऊंगा अपनी दुकान के बारे में कि कैसे अपना सामान मैनेज करता हूं, कैसे कहां रखता हूं। क्योंकि मैंने पर्दे की पाइप डिस्प्ले लगा रखी है, मैंने दीवार पर भी वॉशबेसन लगा रखी है, ये लॉक सारा मैंने पैक कर रखा है। पहले कोविड 19 के चक्कर में पैक करा था और मैंने परमानेंट कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने दुकान यहाँ से गेट बंद कर रखा है, यहाँ कोई गहरा इंसान ना अंदर नहीं घुसता, एक पेज के लिए भी ना इंसान अंदर घुसता चला जाता है, इसलिए मैंने पैक कर दिया। यहाँ पर मैंने जनता को पीने के लिए एक मटका लगा रखा है, जानवरों के लिए गर्म, ये गार्डन पाइप रखे हुए बाहर, क्योंकि दिखता है वही दिखता है। यहाँ पे देखो मैंने बाहर ये नट बोल्ट की रैक लगा रखी है, कस्टमर आता है एक नट दे दो, ये छोटा है बड़ा है, मैंने इसलिए भारी लगा रखा है, ले लो अपने आप छाँट लो ले लो। ये चाबी पाना है इंच पेज का 100,000 मैंने भारी लगा रखा है, तो इनको ठिकाने में बड़ा टाइम लगता है। यहाँ मैंने भारी एक ब्लेड की डिस्प्ले लगा रखी है, सीडी ब्लेड, कटिंग ब्लेड, मार्बल ब्लेड, पेज का पाना सब मैंने ये भारी लगा रखा है शुरू में ही। यहाँ मैंने लॉक लगा रखे हैं अंदर का पेज, ये मैंने बहुत पेशन की डिस्प्ले लगा रखी है, ये डिस्प्ले यहाँ लगा रखी है। ये देखिए शुरू में ही मैंने क्या कर रखा है, ये पेज के पैकेट रख रखे हैं, ये स्टील के पैकेट, पेज के पैकेट रख रखे हैं। इसमें भी कस्टमर कहता है 10 रुपये की कील दे दो, ये दे दो छोटी थी बड़ी, मैंने लगी भैया पैकेट ले लो जो अच्छा वो ले लो, इससे परेशानी नहीं होती। ये मेरे ऊपर जाने ऊपर हाउस का जाने का रास्ता है, यहाँ पे मैंने फर्नीचर लगा रखा था, जगह खाली थी ऊपर की, यहाँ पे मैंने खाने बना के यहाँ पे स्टेनर लगा दिए, अच्छा ना। हाँ मैंने ये फार्चुनर वार्चुनर में डब्बे बना रखे हैं, सामान लेने में दिक्कत नहीं आती। ये मेरा काउंटर, यहाँ कूलर लगा रखा है छोटा सा, टीवी, यहाँ पे मैंने CPVC की फिटिंग लगा रखी है, मैं छोटा सा तकर डाल लगा जिससे बैठने में कोई परेशानी नहीं आती। या 1 पीस सीट ऊपर, ये थोड़ा सा बैनर वैनर लगा रखे हैं, ये दुकान अच्छी लगती है थोड़ी। मैंने आप थोड़ा सा यहाँ पर पेंट भी लगा रखा है आधे हिस्से में, और दुकान पीछे ऊपर देखिए मैंने ये 1.5 फुट का पट्टा लगा के ऊपर भी सामान रख रखा है, जैसे सामान आसानी से लग जाता है, सिंक विंक वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। 6 फुट की फाइबर सिक्सटी अंदर ही मैंने ये डिस्प्ले लगा रखी है थोड़ी सी, कील वगैरह मैं ये रखता हूँ बाल्टियों में। थोड़ी सी मैंने अंदर भी डिस्प्ले लगा रखी है, ये पीछे सीलन आ रही थी इसलिए मैंने ये फाइबर लगा दी इस पर, अच्छी लग रही है ना। ये पीछे फाइबर ऊपर मैंने ताड़े ऊपर ये गार्डन पाइप वगैरह PVC पाइप वगैरह मैं ऊपर रखता हूँ, ये मैंने लोहे की सीढ़ी लगा दी है। ये रह गए PVC पाइप CPVC पाइप की, ज़्यादातर मैं केमेल क्लासिक रखता हूँ, कोई सुप्रीम वाला आता है तो सुप्रीम भी रख लेता हूँ, मैं ज़्यादातर मैं केमेल क्लासिक पाइप भेजता हूँ किसान वालों का। ऊपर देखिए रोलर लगे हुए हैं, पाइप लगा रखा है उस पर सारे रोलर आ गए। ये मेरा काउंटर है, आपको कैसा लगा बताइए।
धन्यवाद। तो थोड़ा सा सामान मैंने ऊपर भी टांग रखा है, तो मेरा मानना जो दिखता है वही दिखता है, इसलिए दुकान भी अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने UPVC फिटिंग लगा रखी है, KGI फिटिंग है। ये PVC मैनहोल यहाँ ऊपर आ गया है, ये एग्रीकल्चर फिटिंग है, पहले मैंने कार्टून में लगा रखी थी तो ढूंढने में बहुत टाइम लगता था। अब मैंने फर्नीचर बनवा दिया इसके लिए, रह के बनवा दी। अब सारा ये है ना फर्नीचर में ही रैकों में आ जाता है पूरा। सारी मैंने ना 2x2 की रैक बनवा दी है, सारा उसमें ही आ जाती है, क्योंकि पहले पलटी करने में इधर से उधर ढूंढने में बहुत टाइम लगता था। तो मेरे पीछे का व्यू, हाँ ये देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना मेरी दुकान। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिए, धन्यवाद।